हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज की रेसिपी है ड्रैगन फ्रूट मिल्कशेक। इसकी खासियत यह है कि इसे मैंने बहुत काफ़ी हेल्दी वे में बनाया है। और ड्रैगन फ्रूट दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं ड्रैगन फ्रूट का शेक बनाने वाली हूँ, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी ड्रैगन फ्रूट जो कि मैंने लिया है। इसके अंदर से वाइट पल्प निकलेगा। उसके बाद फिर मैंने शुगर लिया है, दूध ले लिया है, यहाँ पर आइस क्यूब्स ले लिए हैं और यहाँ मैंने बीट रूट लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है। इसे कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर लिया है आइसक्रीम, ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ऐसे भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। बस हमें इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है अपने ड्रैगन फ्रूट मिल्कशेक बनाने के लिए। तो सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को हम कट कर लेंगे हाफ में। तो ये देखिए, इसके अंदर का पल्प बिल्कुल सफ़ेद और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको मैंने चार डिवाइड किया है, आप चाहे तो इसको और भी कट कर सकते हैं। इस तरह से कट कर लीजिए और इसको निकालना बहुत ही आसान है, आप बहुत ईजिली वे में इसको निकाल सकते हैं। बस हाथ को ऐसे करना है और ये इसके पल्प बाहर आ जाते हैं। तो अभी सारे पल्प को हमने इसके कवर से अलग कर लिया है। अब हम अपने जार में इन सारे पल्प को डाल देंगे। एक एक करके सारे पल्प को हमने जार में डाल दिया। फिर बीटरूट डालेंगे इसमें, अपना ग्रेट किया हुआ बीटरूट। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, एकदम मार्केट से पिंक कलर आएगा। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाला है एक गिलास दूध, एक गिलास ये डबल होकर डेढ़ गिलास दो गिलास सेक हो जाता है। फिर इसमें आइसक्रीम डाल देंगे और हम इसको सेक कर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देखिएगा कैसे इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए कैसा पिंकिश कलर, ये बीटरूट की वजह से इसका कलर ऐसे पिंकिश हो गया है। अगर हम नहीं डालते तो ये बिल्कुल वाइट रहता, कोई कलर इसमें चेंज नहीं होता, लेकिन पिंक लगता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो होता है ना, जैसा दिखता है वैसा पीने खाने का और अच्छा मन करता है। तो ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसको अपने ग्लास में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो ये लीजिए, हमारा ग्लास में अभी ट्रांसफ़र हो रहा है। वाओ, कितना क्रीमी टेक्स्चर है इसका, ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे। तो ये अपने बचे हुए पल्प हम इसके ऊपर ऐसे थोड़े थोड़े डाल देंगे, तो उसे पीने में अपने माउथ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और कॉर्नर में हम इसके कवर को ऐसे सजा देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा सुपर हेल्दी टेस्टी डिलीशियस ड्रैगन फ्रूट मिल्कशेक। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे कनेक्टेड।